अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज आज मैं आप लोगों को जो है गूगल एडसन का जो है डैशबोर्ड एक्टिव करने का एक बहुत ही प्रीमियम मेथड शेयर कर रहा हूँ जो आजकल जो है बहुत ही ज्यादा वर्किंग में जा रहा है। अगर आप लोगों ने जो है इस पर काम करना है तो आप लोगों ने जो है वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग गूगल एडसन का जो है डैशबोर्ड एक्टिव करना चाहते हो और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर अपना काम भी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आप लोग जो है ये ना कहें कि ये जो है एक एडिटिंग किया हुआ है, यहाँ पर एडिटिंग से जो है इसको बनाया गया है। मैंने आप लोगों के सामने जो है इसको रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर नीचे भी दिखा देता हूँ कि इसकी भी जो है और भी यहाँ पर सेटिंग दी गई है। तो जो मैं आज आप लोगों के साथ जो है मेथड शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा जो है वर्किंग में जा रहा है। तो आप लोगों ने जो है इस पर बहुत ज्यादा जल्दी काम करना है ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो अपने डैशबोर्ड है वो आप लोग एक्टिव कर सको। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर साइड में जाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी जो है वेबसाइट है जिस पर मैंने जो अपना डैशबोर्ड एक्टिव किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो वेबसाइट है वो है html5gmailportal.com। इस वेबसाइट पर मैंने जो है यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को एक्टिव किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडी भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने जो है इसी वेबसाइट को यूज करके आप लोगों ने जो अपना डैशबोर्ड एक्टिव करना है, लेकिन आप लोगों ने जो है कुछ खास सेटिंग करनी है उसको आप लोगों ने जो लाजमी देख लेना है। ये ना हो कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर दें और आप लोग इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो आप लोगों का जो है डैशबोर्ड एक्टिव नहीं होगा। कुछ सेटिंग होती है जो हम लोगों ने लाजमी करनी होती है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी जीमेल पर जो है आप लोगों ने गूगल एडसन का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गूगल का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो है उस में जाकर आप लोगों ने अपनी जो है इस वेबसाइट को पुट करना है, लेकिन उससे पहले जो एक खास सेटिंग है वो भी मैं आप लोगों को जो है आगे चलकर बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो है जीमेल पर भी जाकर दिखा देता हूँ कि मुझे जो है कब ईमेल रिसीव हुई है कि मेरा एडसन जो है कब अपलोड हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपनी जीमेल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने जो है जीमेल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर इसको भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि जो है ये भी मेरा एक रियल अकाउंट है जहाँ पर मुझे जो है ईमेल आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है यहाँ पर 22 घंटे पहले यहाँ पर ईमेल रिसीव हो चुका है कि मेरा जो है डैशबोर्ड एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कि मुझे जो है यहाँ पर और भी गाइडलाइन यहाँ पर दे दी गई है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गूगल एडसन में आ जाता हूँ और यहाँ से जो है मैं अपने जो है इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करना है, अपना जो है गूगल एडसन का अकाउंट आप लोगों ने ओपन कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ अपना दूसरा एडसन जो है ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपना दूसरा अकाउंट जो है ओपन कर लिया। और जो सबसे पहले आप लोगों ने जो सेटिंग करनी है वो ये है कि आप लोगों ने जो है पेमेंट वाला ऑप्शन जो आप लोगों ने कम्प्लीट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जो अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लाजमी पुट करनी है, वरना आप लोगों का जो है डैशबोर्ड एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर टिक लगा होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर टिक लगा होगा तो आप लोगों को तकरीबन जो है आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट में जो है आप लोगों को जो है लाजमी डैशबोर्ड आप लोगों का एक्टिव हो जाएगा। अगर ये नहीं लगा हुआ तो जब तक ये यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर जो है टिक का निशान नहीं आएगा, आप लोगों को जो है यहाँ पर गूगल एडसन का जो है डैशबोर्ड एक्टिव नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास कोई ओल्ड अकाउंट पड़ा हुआ है तो आप लोगों ने जो है उन पर लाजमी लगाना, उसमें आप लोगों को 15, 20 या 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को जो है डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं लगा हुआ तो आप लोगों ने जो है कोई नया अकाउंट बनाना और वहां पर आप लोगों ने जो है सही तरह आप लोगों ने अपना जो पेमेंट वाला मेथड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सही तरह पुट करके आप लोगों ने उसको एक्टिव कर लेना। जैसे एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने जो है अपने एडसन में जो है इस वेबसाइट को आप लोगों ने लगा देना। तो मैंने यहाँ पर जो है पेमेंट वाला मेथड जो है अभी अभी यहाँ पर क्रिएट किया, तो यहाँ पर जो है कुछ टाइम लग जाएगा इसको एक्टिव होने में। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिया है, आगे वाला प्रोसेस भी कर देता हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर साइट वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू साइट, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करके उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर गए तो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर गए तो आप लोगों के सामने जो आगे वाला प्रोसेस आ जाएगा और आप लोगों ने यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन लाजमी कर देना। ये करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट टू आप लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के जो है दोनों सेटिंग यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। जैसे एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर लिख कर आ गया है गेटिंग रेडी। जैसे जो है आप लोगों की अगर सेटिंग कंप्लीट है तो आप लोगों को जो है तकरीबन 15, 20 या 30 मिनट के अंदर आप लोगों को जो है एडसन जो अकाउंट है उसका डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ तक डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को जो है यहाँ तक डिटेल से समझ आ गया तो आप लोगों ने जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है ताकि और लोग भी जो है अपना डैशबोर्ड एक्टिव करके यहाँ से अर्निंग कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।